नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं रातों रात और एक बार फिर से मैं विकास सिंह हाजिर हूं। आज रातों रात में अहम खबरों पर बात होगी खबरों में जो सबसे अहम आज दिन भर की खबर रही उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सीधा हम खबरों की ओर बढ़ते हैं। रातों रात में आज कई मुद्दे हैं। लालू के MY समीकरण को चिराग पासवान हेलीकॉप्टर में बैठकर ध्वस्त कर दिए हैं, तो सीधा पहले हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। सागर जी, जी विकास, चिराग पासवान MY समीकरण लालू प्रसाद यादव का जो है उसे हेलीकॉप्टर में बैठकर बिहार में ध्वस्त कर दिए। जी बिल्कुल, ध्वस्त कर दिए हैं। देखिए, माई समीकरण की जब जब बात आती है विकास, तो यही कहा जाता है कि मुसलमान और यादव, और ये समीकरण केवल बिहार नहीं बल्कि देश की राजनीति को तय करता है। बिल्कुल, मुस्लिम और यादव की बात करें तो विपक्ष का एक मजबूत वोट बैंक है। जी। चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें, तेजस्वी यादव की बात कर लें, तमाम जो यादव समाज के बड़े दिग्गज नेता हैं, उनका प्रभाव इस वोट बैंक पर हमेशा से ही रहा है। लालू यादव भले ही माई समीकरण की बात करते हों, लेकिन मुलायम सिंह यादव का भी जो समीकरण है इसी माई समीकरण के आसपास की ही उनकी राजनीति थी विकास। जी बिल्कुल। तो माई समीकरण जो उस समय तक, अभी भी तेजस्वी यादव कहते हैं माई के साथ ही भी पार्टी है, लेकिन जो माई समीकरण की बात वो लोग करते थे, तो माई समीकरण जो उस समय तक, अभी भी तेजस्वी यादव कहते हैं माई के साथ से बिल्कुल अलग है विकास। चिराग पासवान कहते हैं कि कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, माई समीकरण, जो कि उनके चुनाव में भी टिकट बांटने के अंदाज में भी, तो माई समीकरण जो उस समय तक, अभी भी तेजस्वी यादव कहते हैं माई के साथ, दोनों को मिलाकर महिला और नौजवान को मिलाकर ही वो चलते हैं और उसी की वो पार्टी कहते हैं। तो कल चिराग पासवान का एक बड़ा बृहद और अच्छा जो मैसेज जाना चाहिए समाज में, अन्य पार्टियों के पास जाना चाहिए, बड़े नेताओं के पास जाना चाहिए मैसेज, वो मैसेज खुलकर सामने आया कि चिराग पासवान ने एक आम कार्यकर्ता, जो महिला कार्यकर्ता थी उनको, और कुछ यूथ कार्यकर्ता थे उनको अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठाकर वो कार्यक्रम में ले गए। कल चिराग पासवान की भागलपुर में बड़ी रैली थी, जमकर गरजे गठबंधन, जो विपक्षी गठबंधन है, जमकर गरजे जैसा उनका अंदाज है। लेकिन ये जो सबसे अच्छी बात दिखाई दी कि बड़े नेताओं से दूरी बनाते हुए जो आम कार्यकर्ता है, महिला और युवा, जो आम कार्यकर्ता है, जो महिला और यूथ जो उनके दल के हैं, उनको हेलीकॉप्टर में लेकर वो साथ में उड़े, कार्यक्रम किए और फिर जाकर वो वापस आए। तो ये एक बड़ा अच्छा, और इसकी चर्चा जो है चिराग पासवान के, इसकी चर्चा बहुत तेजी से पूरे देश में हो रही है विकास। बिल्कुल। और अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। हमारे खबरों के पिटारा में से इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। नीतीश तेजस्वी यादव का जो गठबंधन था, जो जोड़ी नजर आ रही थी, उस पर DN की मोहर लग गई। कल तक तो खबरें चल रही थी कि अब नीतीश कुमार NDA को छोड़कर महागठबंधन में आने वाले हैं, इस पर DN की मोहर कैसे लग रही है? देखिए, लगातार हम खबरें चला रहे हैं विकास, और लगातार हमारे अलावा भी बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स हैं वो खबरें छन कर आ रही थी कि नीतीश कुमार सॉफ्ट हुए हैं। जी। और नीतीश कुमार तो सॉफ्ट हुए हैं, और सबसे बड़ी बात जो थी कि पूरा लालू परिवार का कुनबा जो है उसमें लगा हुआ था नीतीश कुमार को मनाने में, उनको सेट करने के लिए। आपने देखा विधानसभा में मैसेज दिए गए, इशारे किए गए, उसके बाद फिर राबड़ी देवी और नीतीश कुमार का के जो बयान आ रहे थे, एक दूसरे से सॉफ्ट आ रहे थे। लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली गए, पूरी तरह से वेल मेंटेन में गए। वहां पर भले ही लालू प्रसाद यादव ये बयान दे देते हैं कि देख लिया जाएगा, फरिया लिया जाएगा, लेकिन उनका मजाक बड़ा मतलब हल्का था, हल्के अंदाज में उन्होंने, एक दोस्ती और भाईचारा वाले अंदाज में उन्होंने ये चीजें कही थी। तो चारों तरफ से माहौल सेट किया जा रहा था, मान मनौवल किया जा रहा था, अंदर से जो खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार मान भी सकते हैं, भाजपा बेचैन हो गई थी, परेशान हो गई थी, लेकिन राजद ने एक बड़ी गलती कर दी विकास। सब चीज जब सेट हो गया था, सब बातचीत हो गया था, तो निश्चिंत रहना चाहिए था और ऐसा काम करना चाहिए था जिससे कि
भाजपा को कानो कान खबर ना लगे। बिल्कुल। लेकिन भाजपा जैसे ही सतर्क हुई तो भाजपा के जो सतर्क हुई उसको दबाने के लिए रोहिणी आचार्य जो हमेशा काम बिगाड़ देती हैं, वो बीच में टपक गईं कल और उन्होंने ट्विटर पर नीतीश कुमार के उस बयान पर, नीतीश कुमार ने हालांकि वो बयान अपने इसलिए दिया था 2005 की बात इसलिए की थी कि भाजपा को शक ना हो, भाजपा को कानो कान खबर ना हो, नीतीश कुमार ने चाल चली थी, लेकिन रोहिणी आचार्य उस पर रिएक्ट कर जाती हैं, एक लंबा चौड़ा ट्विटर पोस्ट उन्होंने नीतीश कुमार के शासन के बारे में लिखा और तब से ही एनडीए के तमाम जो धड़े हैं उनके तरफ से बयान आने लगे। नीतीश कुमार और उनके नवरत्नों में उस बयान को लेकर जो ट्विटर पोस्ट किया गया रोहिणी आचार्य की तरफ से उसको लेकर भारी नाराजगी देखी गई और यही कारण है कि जो बातचीत चल रही थी विकास नीतीश और तेजस्वी के बीच में इशारों में सेट किया जा रहा था सारा माहौल, अभी फिलहाल नीतीश कुमार गरमा गए हैं, गुस्सा गए हैं तेजस्वी यादव से, और यही कारण है कि जाने का जो रास्ता खुल रहा था वो बंद, वो अभी फिलहाल बंद नजर आ रहा है विकास। अब बढ़ते हैं सबसे वीवीआईपी सीट जो इस वक्त चुनाव पर बनी हुई है, तिरहुत। जी हां, वही तिरहुत जहां चिराग के हनुमान माने जाने वाले राकेश रोशन जो थे वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं और तिरहुत में निर्दलीय उम्मीदवार जो है ऐसी चाल चल दिए हैं कि सीधा सीधा एनडीए महागठबंधन खतरे की घंटी। बिल्कुल, देखिए राकेश रोशन जिस प्रकार की तैयारी करते हैं विकास, आप देखिए कि डायरेक्ट वोटर से कनेक्ट है, कनेक्ट हो रहे हैं ना, खास करके युवा वोटर जो है युवा वोटर से कनेक्ट हो रहे हैं, ग्रेजुएट जो भी हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उन्होंने जो है वोटरों को बना भी लिया है, जो खबरें हमारे पास निकल कर आ रही है, तो बहुत ही अच्छे तरह से एक एक कार्यकर्ता से टच कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार टाइटल आप फिर से उसको एक बार बता दें। देखिए जो टाइटल है तिरहुत की, तिरहुत उपचुनाव में बागी उम्मीदवार ने चल दी बड़ी चाल। जी तो देखिए चाल तो चल दिया है, तो देखिए राकेश रोशन निर्दलीय उम्मीदवार बागी उम्मीदवार माना यही जा रहा है कि वो उनमें इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है विकास कि एनडीए का खेल वो बिगाड़ सकते हैं और इसका साक्षात अगर सबूत देखिए तो उनके चुनाव लड़ने के बाद और चुनाव होने से ठीक पहले जदयू के उसी एरिया के कद्दावर नेता एमएलसी रामेश्वर महतो ने इस्तीफा दे दिया, तो आप मान के चलिए कि वो जो वोट बैंक है उनका एमएलसी का और जो भी नाराज चल रहा है नीतीश कुमार से, भाजपा से जो नाराज चल रहा है, जो चिराग पासवान से नाराज चल रहा है, वो लोग कहीं ना कहीं एकजुट होकर राकेश रोशन के सपोर्ट में खड़े हैं और यही भुनाने में लगे हैं राकेश रोशन। देखिए उस क्षेत्र में गुस्सा किस बात का है, गुस्सा है देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर, देवेश चंद्र ठाकुर को वहां टिकट कोई नहीं देना चाहता था, चाहे वो नीतीश कुमार के पार्टी के लोग हों, एनडीए के लोग हों या महागठबंधन के लोग हों, कोई नहीं चाहता था कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन फिर भी टिकट मिला, टिकट मिला, वो चुनाव लड़े और पार्टी लगी, सबके मेहनत से वो चुनाव जीत कर आए, जीत के आने के बाद अब बयान दे रहे हैं कि भाई मेरा इन्होंने वोट नहीं दिया, वो समाज वोट नहीं दिया, वो समाज वोट नहीं दिया, हालांकि वो अलग बात है, हमारे संपादक नमन मिश्रा ने भी इस पर टिप्पणी की है, आप देख सकते हैं पंचनामा में, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज राकेश रोशन ने एक बड़ी चाल यह भी चल दी कि देखिए अपने लिए वो वोट मांग ही रहे थे बिल्कुल, लेकिन जो विपक्षी है जो लोग चाहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर का कद वहां न बढ़े, तो मैंने पहले भी कहा था विकास कि चुनाव भले ही नाम भले ही अभिषेक झा का हो जदयू के तरफ से एनडीए के तरफ से, चुनाव देवेश चंद्र ठाकुर लड़ रहे हैं और यही भुनाने की कोशिश आज राकेश रोशन ने किया, आज यही बड़ी चाल चल दी कि सीधे अपने मतदाताओं में और जो नाराज वाला जो 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 पूरा समुदाय है जो देवेश चंद्र ठाकुर से नाराज वाला समुदाय था वहां पर उन्होंने कुरेद दिया इस बात को और बता दिया कि देखिए देवेश चंद्र ठाकुर अभी अभी सांसद बन गए हैं, क्या काम किए हैं, पहले भी जब एमएलसी थे तो क्या काम किए थे, क्यों नहीं विकास हुआ इस क्षेत्र का, नीतीश कुमार के बड़े करीबी थे, मंत्री थे, राणा थे, ढिमका थे, बहुत तरह से उन्होंने वोटरों को रिझाने का प्रयास किया और उनका यह जो चाल है आप समझिए कि पूरी तरह से सटीक निशाने पर अगर लग गया तो खेला
हो सकता है। जी देखिए, खेला हो सकता है तिरहुत में। तिरहुत वो क्षेत्र जहां पर नीतीश कुमार की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। अब अगले खबर की ओर बढ़ते हैं जो इस वक्त हमारी पोटली से बाहर आ रही है। नीतीश कुमार को चारों खाने चित कर तेजस्वी चले बड़ी चाल। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने बड़ी चाल चल दी है। अब देखिए, बातचीत तो करने में वो लगे हुए थे जी, बातचीत हो भी रही थी जो सूत्रों के से खबर आ रही है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने फिर से घी डाल दिया है। अब अग्नि बढ़ गई, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार गुस्सा हो गए। हालांकि ये मान मनोबल का दौर अभी चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये अनिश्चित है, ये बदल सकता है। मान मनोबल का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इसके पहले तेजस्वी यादव भी अपनी तैयारी पूरी कर लेना चाहते हैं, कमर कस लेना चाहते हैं, क्योंकि कमजोर रहेंगे तो कौन उनके पास आएगा। थोड़ा मजबूत रहेंगे, टाइट रहेंगे, लगेगा कि नहीं नीतीश कुमार को लगेगा कि भाई ये मेरा मुख्यमंत्री का कुर्सी छीन सकता है, तब ना हाथ मिलाएंगे। डराना पड़ता है, अगर वही डर तेजस्वी यादव बनाना चाहते हैं, वही अगर विकास किसी को आप अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं मिल रहा है तो क्या करिएगा, थोड़ा डराइएगा, काहे नहीं मिलेगा, ये छीन लेंगे, थोड़ा से ये छीन लेंगे, मार के छीन लेंगे, जैसे भी छीन लेंगे। तो वही तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार को डराना भी चाहते हैं, और इसीलिए 4 तारीख से तेजस्वी यादव अपनी अपने अपनी जो पुरानी यात्रा थी कार्यकर्ता संवाद यात्रा, उसको लेकर फिर से निकलेंगे। और अब कहां जा रहे हैं तेजस्वी यादव, ललन सिंह के पास जा रहे हैं, मुंगेर। ललन सिंह का जो गृह क्षेत्र है जहां से वो सांसद है नीतीश कुमार के करीबी, आपको याद होगा कि ललन सिंह के और तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता था, यही उपेंद्र कुशवाहा चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि उन दोनों के बीच में आपसी बॉन्ड है। अब नीतीश कुमार रहे कहां ललन सिंह के, तो देखिए ललन सिंह ने अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ललन सिंह ने उनको बुलाया है, क्या ललन सिंह पूरी सेटिंग में लगे हुए हैं, ललन सिंह पूरी तैयारी में लगे हुए हैं का दिल्ली दौरा। तो ये सब चीजें जो है राजनीति में देखने को मिलेगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कमर कस लिया है। तेजस्वी यादव मुंगेर प्रमंडल का यात्रा अब 4 तारीख से करने वाले हैं। विकास, देखिए खबरों की पिटारे में से एक और खबर जो बिहार के लिए अहम हो जाती है। अब बिहार में शराबबंदी नीति जो है वो खत्म होने जा रही है, क्या ये सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ खबरें हैं कि तमाम लोग कह रहे हैं कि बिहार में अब शराबबंदी खत्म चुनाव से पहले। देखिए विकास, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के विधायक ही कह रहे हैं, नीतीश कुमार के विधायक कह रहे हैं। देखिए लगातार जिनके बयानों की चर्चा होती है, जिनके बयानों से हड़कंप मचता है, जिनके बयानों की चर्चा केवल बिहार में नहीं, देश में नहीं, बल्कि विदेशों तक ट्रेंड होते हैं, ऐसे बिहार के भागलपुर के गोपालपुर से विधायक है। नाम बताने की मुझे जरूरत है क्या? बिल्कुल, आप तो सब समझ गए कि गोपाल मंडल की बात हम कर रहे हैं। देखिए कल भी उन्होंने चौंकाने वाले बयान दिए थे, अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के सामने ही कई तरह के बात किए, जो उनके सांसद हैं जदयू के अजय मंडल, उनको तू तड़ाक कर दिया, चोर पैकेटमार बता दिया था। अब फिर उन्होंने कल एक बड़ा बयान दे दिया है नवगछिया में जदयू का जिला का कार्यक्रम चल रहा था, उमेश कुशवाहा पहुंचे हुए थे। अब मंच से गोपाल मंडल ये कह देते हैं कि जो नवगछिया के एसपी हैं पूरन कुमार झा, वो खुद शराबी हैं, दारू पिलवाते हैं। बड़ा आरोप लगा दिया है गोपाल मंडल ने एकदम एसपी पर। हालांकि पहले भी इस तरह के वो आरोप लगाया करते हैं, पहले भी वो लगाते रहे हैं पूरन झा पे। उन्होंने देखिए उनका स्पष्ट अगर मैं बात कहूं कि हम फेर में फंस जाएं तो फंस जाएं, लेकिन बता देना चाहते हैं कि यहां का एसपी जो पुलिस महकमा का हेड है, उनका धंधा बाजार में दबंगों के साथ दारू पीने का है। गोपाल मंडल यही नहीं रुके, उन्होंने पूरन झा पर निशाना साधते हुए कहा, वो तो दबंगों को अपने सरकारी आवास पर बैठाकर दारू पिलाता है। रंगा रगड़ा में बलात्कार की घटना हुई, पुलिस ने केस ही नहीं चलने दिया। जब तक सुधार नहीं होगा, डीजीपी स्तर पर सुधार नहीं होगा, तब तक यहां कभी सुधार नहीं होगा। तो ये बड़ा आरोप जदयू के विधायक के द्वारा दिया गया। अब इस पर देखिए पॉलिटिकल महकमे में आज दिन भर क्या सरगर्मी बनी रहती है, क्या विपक्ष की प्रतिक्रिया आती है, ये जो है सागर जी देखने वाली बात। जो महागठबंधन आरोप लगा रही थी, उसी आरोप को तो गोपाल मंडल लगा दिया अपनी ही सरकार। देखिए महागठबंधन भी लगाते रहिए, मांझी जी भी कई बार बोल चुके हैं, प्रशांत किशोर लगातार बोलते हैं, हर कोई बोल रहा है, बस
नीतीश कुमार के प्रवक्ता नहीं बोलते हैं, भाजपा के विधायक नहीं बोलते, उनके विधायक नहीं बोलते, अब वो भी बोलने लग गए, अब वो भी बोलने लग गए। बिल्कुल जी, देखिए ये सबसे अहम खबर थी रातों रात में, जो हर रोज हम इसी समय आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि आज दिन भर इसी खबर का चर्चा होगा। और उससे पहले हम आपको विस्तार से तमाम खबरों की जानकारी दे देते हैं कि आज दिन भर क्या कुछ सुर्खियों में बने रहेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव, कल फिर हम रातों रात लेकर इसी समय पर हाजिर होंगे। तब तक लिए हमें दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816700।